फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो इन द वेब सिक्योरिटी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू टॉपिक्स इन द वेब सिक्योरिटी दैट्स रिमेंड इन दिस चैप्टर, राइट? सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस ओवर हेयर द क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड देन ई कॉमर्स मॉडल, राइट? वी हैव टू टॉपिक्स, वन इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। देर आर सेवरल थिंग्स विद इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट? That we are going to study one by one. So what is client and what is server and what's its model, right? When we are talking about the fundamental design of any network based application, right? Any network based application, we are talking about the fundamental design. There are only the two things, right? One is client, another is server. The name client and the server are also commonly used to categorize computer on the network. If we are talking about, if you are going through a lab, right? So if there are some computer on the network, just you are classifying those computers between the client and server. यदि हम generally common use की बात करें तो clients को हम क्या कहते हैं? जो कुछ चाहता है, यानी कि जिसे कुछ चाहिए, that is called as client. और जिसके पास कुछ है या जो कुछ दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्वर, राइट? दोज दैट वांट समथिंग नोन एज क्लाइंट, दोज दैट हैव समथिंग नोन एज सर्वर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग टेक्निकली, दिस थिंग्स आर रॉन्ग, राइट? दिस थिंग्स आर रॉन्ग और वी कैन से दैट इनकरेक्ट, क्योंकि कुछ समय फॉर आवर पर्पस एट सम टाइम्स क्लाइंट रेफर्स टू द एप्लीकेशन, right? Client refers to the application might be used at the server also, might be used at the server also. But when we are coming to the internet, it is most appropriate example of the web browser that always works as the client, that always works as the client, right? On the host that is interacting with the remote computer, that is server application. The most prevalent example of the client when it comes to the internet is a web browser, right? The most prevalent or most famous example we can take as the web browser, because if we are going through a lab, there is a client and server, but at some time that server might be also a client, right? That server might be also a client. So hamare paas jo appropriate example hai wo web browser ka hai, इसलिए हम इस तरीके से डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, दोज दैट वांट समथिंग एंड दोज दैट हैव समथिंग, दैट इज नोन एज क्लाइंट एंड सर्वर रिस्पेक्टिवली, राइट? सो हियर इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन स्पेटेड इन द वेब ब्राउजर एंड सर्वर, राइट? सो हियर लोकल कंप्यूटर एंड हेयर रिमोट कंप्यूटर, दैट इज होस्टिंग वन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज क्लाइंट एंड दिस इज कॉल्ड एज सर्वर। सो इफ वी आर टॉकिंग, हमने जो है पहले ही इस डेफिनेशन को खारिज कर दिया कि जिसे कुछ चाहिए वो जो है क्लाइंट कहलाएगा और जिसके पास कुछ है वो सर्वर कहलाएगा। सो वी आर कमिंग टू द आवर मेन एग्जांपल, नेटस्केप ब्राउजर, राइट? दैट इज अ वेब क्लाइंट, दिस इज ऑलवेज अ वेब क्लाइंट। सो वी हैव इन बिटवीन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड देन वी हैव सम IIS एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर, ओके? सो दिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, right, where we have the applications of web server, that contents might be the HTML files and some active contents. There are only two things, some active files and some HTML files. HTML files जो है हमारा क्या करता है, किसी भी content को जो है सही तरीके से model करता है, right? इसके अलावा हमारे पास दो और चीज़ें हैं, send के लिए जो है हम get request का use कर, sorry, क्लाइंट जो है गेट रिक्वेस्ट का यूज करता है और सर्वर जो है हमेशा पुट का यूज करता है। तो गेट और पुट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या है, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये पुट क्या है, लेकिन पुट देखने से पहले, दिस क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप कैन बी सीन इन अदर कॉमन इंटरनेट एक्टिविटीज लाइक ईमेल आईडी, राइट? लाइक ईमेल, जस्ट एज द पोस्ट ऑफिस स्टोर एंड द पर्पस सॉरी प्रोसेसेस फिजिकल मेल, email is the first stored in the electronic mailbox managed by the mail server, managed by the mail server. Email clients such as Eudora or Outlook Express, or we can say about the Gmail, right? So next come to the put. What is put?
इन HTTP वेल नोन पोस्ट मेथड राइट। यदि हम पुट की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि हम जो है HTTP जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था उसमें जो पोस्ट मेथड था गेट एंड पोस्ट मेथड, तो उसमें हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे राइट। पोस्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, किस चीज़ के लिए यूज होता था, अपलोड मैसेज बोर्ड पोस्टिंग राइट, लाइक क्रेडिट कार्ड एड्रेस इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन परचेजेस। वेब बेस्ड ईमेल ऑल्दो नॉट कॉमनली इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशू राइट, इवन दो ये सारी के सारी चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट होता है वेब बेस्ड, उसका रीज़न है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इशू होना राइट, सिक्योरिटी इशू होना। HTTP ऑल्सो प्रोवाइड्स द पुट मेथड फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन राइट। जिस तरीके से पोस्ट मेथड है उसी तरीके से HTTP जो है हमारा एक और उसके पास मेथड है पुट मेथड, सेम थिंग फॉर व्हाट पुट सॉरी अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन द मीनिंग, रिक्वेस्ट यू आर आई फॉर पोस्ट द यू आर आई रेफर द प्रोग्राम ऑन द सर्वर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन राइट। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन मीनिंग पोस्टेड यू आर आई, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। फॉर पोस्ट यू आर आई रेफर्स द प्रोग्राम ऑन द सर्वर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड दैट यू अपलोड राइट। इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड सर्वर शुड ओनली सपोर्ट द पुट कैपेबिलिटीज फॉर द यूजर टू एडमिनिस्ट्रेट देयर ओन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज राइट। ऑल्दो क्लाइंट सच एज ड्रीम व्यूअर एंड आमिया सपोर्ट दिस फीचर्स इंस्टेड ऑफ सेविंग द मॉडिफाइड पेज एंड मैनुअली ट्रांसफरिंग टू द वेबसाइट, दिस क्लाइंट्स इनेबल्स यू टू सेव द डायरेक्टली टू द रिमोट वेबसाइट राइट। यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ माइक्रोमीडिया हो गया, w3.org हो गया जो आमिया का है राइट। तो ये जो है आपका क्या करता है, और ये माइक्रोमीडिया क्या है, ड्रीम व्यूअर है राइट। तो ये जो है डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे जो है आपका अपलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गेट मेथड। व्हाई वी आर यूजिंग द गेट मेथड एसोसिएटेड विथ रिट्रीविंग द कॉन्टेक्ट कंटेंट फ्रॉम द वेब सर्वर राइट। पुट जो है वेब सर्वर या वेबसाइट पे जो है जहाँ अपलोड करने का काम करता है, तो गेट जो है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने का काम करता है। देन मॉडिफाइड एज डिस्कस प्रीवियसली राइट, जैसा कि हम डिस्कस, और उसके बाद जो है ये मॉडिफाइड हो जाता है। इट इज यूज टू रिट्रीव पेज एंड अदर ऑब्जेक्ट सच एज इमेज वेब फ्रॉम ए वेब सर्वर व्हेन वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट देम राइट। जब भी वेब क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है तो वो सारी चीज़ें कुछ टेक्स्ट हो सकते हैं, कुछ इमेज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करता है, रिट्रीव करता है और जो है क्लाइंट के सामने डिस्प्ले करता है। ओके, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है आपको दिखेगी वो है HTML। तो HTML हम यूज क्यों करते हैं, एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है ठीक है, एक्सटेंसिवली इन द वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो HTML जो है आपका क्या है, एक लैंग्वेज है जो कि फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। ये हमारे सामने जितने भी कंटेंट आते हैं उसे एक अप्रोप्रिएट व्यू में प्रेजेंट करता है राइट, अप्रोप्रिएट व्यू में प्रेजेंट करता है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 8879 फॉर द हाइपर टेक्स्ट स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज SGML। ये हमारा HTML पहले का था लेकिन उसके बाद जो है आपका HTML में कन्वर्ट हो गया। सो देर आर सम लाइन ऑफ कोड दैट इज रिटन इन HTML वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सो मच अबाउट द HTML राइट। हियर इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ HTML, गो थ्रू दिस एग्जांपल।
ओके देन वी हैव सम सर्वर कंटेंट. सो भाई वी आर यूजिंग द सर्वर कंटेंट एंड व्हाट द सर्वर इज गोइंग टू डू. सो यदि हम किसी भी एक्टिव कंटेंट की बात करें किसी भी वेबसाइट पे, तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, राइट? सर्वर साइड जो कि एग्जीक्यूटेबल होता है एंड क्लाइंट साइड एग्जीक्यूटेबल. द होस्ट एग्जीक्यूटिंग द कंटेंट शुड बी द मोस्ट कंसर्न विथ इट्स सिक्योरिटी. द सिलेक्शन सॉरी द सेक्शन फोकस ऑन द सर्वर साइड, राइट? दिस सेक्शन जो है हम जो है पूरे के पूरे सर्वर साइड पे फोकस है, विच इंक्लूड्स कॉमन गेटवे इंटरफेस, राइट? जो कि हमारे पास कॉमन गेटवे इंटरफेस के रूप में जो है आपका काम करेगा. तो उससे पहले सबसे पहले जो है आपका CGIS स्क्रिप्ट है. इसमें PHP भी, PHP एक लैंग्वेज है, लेकिन CGIS स्क्रिप्ट जो है कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट के बारे में बोला गया है. कॉमन गेटवे इंटरफेस वॉज द फर्स्ट इंटरफेस डिजाइन टू प्रोवाइड द डेवलपर्स विच कैपेबल टू प्रोड्यूस डायनेमिक कंटेंट टू ए वेबसाइट, राइट? ये क्या है, एक डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. तो ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसके साथ जो है कई सारे स्क्रिप्ट लगे हुए हैं, राइट? CGI इवन दो कि फर्स्ट जो है आपका ये यूज होता था कोई भी डेटाबेस है, तो उसे कैसे अप्रोप्रिएटली हम जो है डिस्प्ले करेंगे, इन सारी चीजों के लिए CGI स्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं. कुछ CGI स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में यहाँ साफ साफ लिखा गया है. होस्ट मशीन जो कि कंटेंट करता है, पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, सेल हो गया, सी स्क्रिप्ट हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सो ऑन, राइट? ये सब जो है मोस्ट कॉमनली CGI स्क्रिप्ट है. कॉमनली यूज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो है आपका रिक्वेस्ट मेथड हो गया, HTTP रेफर हो गया, HTTP एड्रेस हो गया, होस्ट हो गया, यूजर हो गया, कंटेंट टाइप हो गया, कंटेंट लेंथ हो गया, HTTP यूजर एजेंट. ये जो है आपका कुछ CGI का जो है ये है स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं. अब वही जो है आपका PHP जो है क्या है, एक CGI इंटरफेस है. कैसे लिखेंगे, देर इज द वे टू राइट द PHP CGI इंटरफेस, राइट? उसी तरीके से यदि हम JavaScript की बात करें तो वो भी आपका एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट? बट जनरली JavaScript हम कहाँ यूज करते हैं, क्लाइंट साइड में, राइट? तो जिस तरीके से आपका जो है आपका कुछ ना कुछ यूज करता है, क्या बोलते हैं ये, सर्वर साइड जो है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करता है, उसी तरीके से क्लाइंट साइड भी यूज करता है. तो क्लाइंट साइड जिस तरीके से आपने देखा है, HTML भी हो सकता है, एक्टिव एक्स हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, जावा हो सकता है. देर आर सेवरल थिंग्स विच वी कैन यूज आइदर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड. PHP को भी हम क्लाइंट साइड में यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज करते हैं, राइट? तो ये जो है आपका जावा हो गया, सैंडबॉक्स हो गया, ये सारे आपका सिक्योरिटी कंटेंट्स हैं. ओके, जावा के कुछ परमिशन, फाइल परमिशन है, जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट फाइल परमिशन, जावा डॉट नेट डॉट स्टॉप परमिशन, सॉरी सॉकेट परमिशन. सॉकेट जो है आपका कम्युनिकेट करने में यूज होता है. नेक्स्ट वी हैव टू सी अबाउट द ओके व्हाट इज अ स्टेट. स्टेट क्या होता है, राइट? तो स्टेट जो है आपका करेंट सिचुएशन को इंडिकेट करता है. स्टेट क्या करता है, करेंट सिचुएशन को इंडिकेट करता है. तो ये जो है HTTP से भी रिलेटेड होता है. HTTP में भी कई सारे जो हैं आपके स्टेट होंगे. अच्छा, स्टेट की आवश्यकता क्यों होती है, तो एनी एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स एन एसोसिएशन विथ मल्टीपल पेज बाई ए सिंगल यूजर रिक्वायर्स अ स्टेट. यदि कोई भी एप्लीकेशन आपका है जो कि मल्टीपल पेज जो है एक साथ एसोसिएट होता है फॉर ए सिंगल यूजर, देन वी हैव नीडेड द स्टेट, राइट? हमें जो है स्टेट की आवश्यकता होती है. कुकीज क्या करता है, ये ASCII टेक्स्ट से मिलकर के बना होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. ये शॉपिंग कार्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, प्रेफरेंस इन्फॉर्मेशन, ट्रैकिंग ID हो गया, ये सारे के सारे को ये क्या है आपके लोकल कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है. जब तक आप इसे इरेज नहीं करेंगे, ये जो है इरेज नहीं होगा. जैसे ही आप कोई फर्स्ट टाइम कोई भी डाटा डालते हैं अपना
वेब ब्राउजर में, तो वो उसे सेव कर देता है, और उस चीज को हम क्या कहते हैं, कुकीज। या कुकीज इज मेड ऑफ आस्की टेक्स्ट दैट कैन बी स्टोर ऑल इन वन फाइल्स और स्टोर्ड इन इंडिविजुअल फाइल्स, राइट। इसमें स्टोर करता है, ओके। तो ये था आपका कुकीज के बारे में, कुकीज से सिक्योरिटी। अच्छा, कुछ वेब में बग्स भी होते हैं। बग्स इन द सेंस देयर आर सम लूप होल्स फ्रॉम वेयर एनीवन कैन एंटर। ए वेब बग इज यूफेमिज फॉर द इनविजिबल इवस ड्रॉपिंग ग्राफिक्स एम्बेडेड इन द वेबसाइट, ईमेल और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। इव्स ड्रॉपिंग, राइट। इव्स ड्रॉपिंग का मतलब ही साफ है कि आपका जो है कोई ना कोई एविल जो है आपको कुछ ना कुछ कर सकता है थ्रू द दैट सर्टन लूप होल, एंड दैट सर्टन लूप होल इज कॉल्ड एज बग। ये आपका प्रोग्रामिंग में भी हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि हम वेब के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम वेब बग के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल। ओके, इसके बाद है यूआरएल ट्रैकिंग। यूआरएल ट्रैकिंग इज यूज टू डिटरमाइन व्हेन, हाउ ऑफन एंड हु इज व्यूइंग द वेबसाइट, राइट। तो ये क्या क्या कंटेंट करता है, ब्राउजर टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, सर्विस प्रोवाइडर, डेट्स एंड रेफर्स, राइट। ये सारी चीजें ये कंटेंट करता। ओके, लेट्स कम टू द ई कॉमर्स डिजाइन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेब डिजाइन देन वी ऑलवेज प्रिपेयर अबाउट द ई कॉमर्स डिजाइन, बिकॉज दिस इज अ वास्ट डिजाइन विच फ्रीक्वेंटली गोइंग टू बी यूज इन द अपकमिंग एज एंड नाउ इट इज ऑल्सो। यू मस्ट कंसिडर सेवरल डिजाइन इशू एंड डिसीजन दैट डेवलपिंग ए डिजाइन फॉर एन ई कॉमर्स साइट, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्राइम डिजाइन फैक्टर विल बी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट, बजट एंड अवेलेबल एक्सपर्टीज। More often than not, requirement tends to fall by the wayside and design are based slowly on available resources. Right? ये जो है आपका हमेशा होगा। तो कुछ important decision e-commerce design में हमें लेने पड़ेंगे, और वो है where will be website physically reside? Physically जो है आपका website कहाँ reside करेगा? व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन सा वेब सर्वर यूज कर रहे हैं, हाउ विल एक्टिव कंटेंट बी इम्प्लीमेंटेड, एक्टिव कंटेंट जो है कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस एंड इंटीग्रिटी, राइट। आप यदि कोई भी ई कॉमर्स साइट मेंटेन कर रहे हैं तो उसके मेंटेनेंस का प्रोसीजर क्या है, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, राइट। सो ये जो है आपका वन बाई वन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले फिजिकल लोकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर। ओके, लेट्स चेक इट आउट। फिजिकल लोकेशन, डिसाइडिंग वेयर टू फिजिकल लोकेट द ई कॉमर्स साइट इज ए सिंपली ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिसोर्स एंड कंट्रोल एज द डेडिकेटेड बजट एंड द पर्सनल इंक्रीज ऑफ ए साइट। पर्सनल इंक्रीज फॉर ए साइट होस्टिंग कैन प्रोग्रेस अप द स्टेप्स फ्रॉम द वर्चुअल सर्वर, राइट। वर्चुअल सर्वर से भी कर सकते हैं होस्टिंग हम, बट सबसे पहले जो है हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये वेबसाइट जो है आपका फिजिकली कहाँ स्टोर होगा। देयर आर सेवरल सर्वर नाउ एडेज अवेलेबल, सो यू हैव टू डिसाइड टू हुम, फ्रॉम हुम यू आर गोइंग टू परचेज द स्पेस। ओके, वर्चुअल सर्वर हो सकता है, डेडिकेटेड सर्वर हो सकता है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सेट अप योर ओन सर्वर, राइट, सेट अप योर ओन सर्वर फॉर लॉन्चिंग द वेबसाइट। इस केस में आपको क्या करना होगा, जो भी सर्वर आप खुद से बनाएंगे तो उसे आपको जो है 24x7 ऑन रखना होगा, राइट, कि कोई भी आपका वेबसाइट एक्सेस कर सके, ये नहीं कि 2 घंटे के लिए चालू है, अगले 2 घंटे के लिए बंद हो गया, ये सारी चीज़ें। को लोकेशन यानी कि कोई एक पहले से जो है लोकेशन ऑन किया हुआ है, आप उसके साथ शेयर कर लीजिए, ये जो है आपका को लोकेशन कहलाता है। कुछ चीज़ें खुद
करना है, डिटरमाइन हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर फिजिकल सिक्योरिटी, फाइंड एन ISP विथ एम्पल बैंडविड्थ, सेलेक्ट हार्डवेयर लाइक इंटेल कंपोजिशन कंपेटिबल सन स्पार्क मिंटॉस एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आप रैम क्या होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या होगा, प्रोसेसर क्या हो सकते हैं, उसका स्पीड क्या हो सकता है, ये सारे हार्डवेयर जो है आपको खुद से सेलेक्ट करना होगा। यानी कि इन सब का जो है स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव टू स्पेसिफाई दैट, राइट। देर आर सम अदर थिंग्स, सेलेक्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, सोलारिज, लिनक्स, यूनिक्स, एनीवन। वेब सर्वर की बात करें तो अपाचे हो गया, माइक्रोसॉफ्ट IIS हो गया, राइट, नेटस्केप इंटरप्राइजेज हो गया, और भी कई सारे हैं वेब सर्वर। सेलेक्ट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्टिव कंटेंट लाइक जावा एंड सो ऑन। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू see the another chapter, right? And that chapter is nothing but email security. Okay, now next day we are going to check it out, something over here. But before that, if we want to check the syllabus, okay, we don't have the syllabus right now, so leave it. So email security, along with the web browsing, email has made the internet popular, widespread and indispensable, right, for most users. Despite its critical role in the typical internet user's life, email is comparatively insecure. जहाँ तक आप देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है सिक्योर है, लेकिन ईमेल आज भी जो है इनसिक्योर है, राइट। ईमेल क्या है? अनसिक्योर है। तो ईमेल के साथ यदि अनसिक्योर है तो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? तो ईमेल जो है आपका वाइडली यूज होता है, वेल डिफाइंड एंड यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल इस पे यूज होता है, देयरफॉर इट शुड बी द प्राइम टारगेट फॉर द हैकर्स डेवलपिंग अटैक्स, राइट। ईमेल जो है आपका वाइड स्प्रेड है सबसे पहले, दूसरा जो है इजिली यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल है, यानी कि हमेशा लोग जानता है कि यही सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, PGP, देन देर आर सेवरल अदर्स। देयरफॉर तो इसके चलते ये जो है आपका प्राइम टारगेट होगा किसी भी हैकर्स का या किसी भी अटैक्स का। अटैक्स ऑन ईमेल फोकस ऑन टू एरियाज, द डिलीवरी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मैलिशियस कोड। यदि कोई आपके ईमेल को अटैक करता है, हैक करता है, तो दो चीज़ों पे हमें, पहला कि डिलीवरी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मैलिशियस कोड एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दूसरा द मैटर गेट्स लिटिल पब्लिसिटी बिकॉज इट इज इजली डन एंड डज नॉट रिक्वायर ए सोफिस्टिकेटेड अटैक। Right, so we are going to see this in the next lecture. So whatever it may be, right now we are going to stop over here itself.